खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। पुलवामा में आत्मघाती हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान अक्सर बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, तो घाटी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार तड़के से शुरू करालगुंड और हंदवाड़ा में गोलीबारी चल रही थी, इसमें एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। स्थानीय स्थिति को काबू में करने के लिए हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। पुलवामा में आत्मघाती हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान अक्सर बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, तो घाटी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार तड़के से शुरू करालगुंड और हंदवाड़ा में गोलीबारी चल रही थी, इसमें एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। स्थानीय स्थिति को काबू में करने के लिए हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इससे पहले मुठभेड़ में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया और आतंकियों के घर को उड़ा दिया। यह दोनों हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। सुरक्षा बलों ने इनके पास से राइफल समेत कई असले भी बरामद किए। सुरक्षा बलों को त्राल के रेशी मोहल्ले में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद 42 राष्ट्रीय राइफल्स, 180 बटालियन CRPF और SOG की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच 6 मार्च को शुरू हुई भारी गोलाबारी बुधवार तड़के तक जारी रही। पाकिस्तान सेना ने बिना उकसावे के सुंदरबानी सेक्टर में मंगलवार को लगभग 10:30 बजे से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर मोर्टार को छोटे हथियार से गोलाबारी और गोलीबारी की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि गोलीबारी मंगलवार सुबह 4:30 बजे तक जारी रही। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी जवाब दिया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में मंगलवार को दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलाबारी हुई थी। इस दौरान राजौरी के कलाल इलाके में एक सैनिक घायल हो गया था। इन दोनों जिलों में नियंत्रण रेखा से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी शिक्षण संस्थान बंद है। This encounter happened in the morning. With specific information, the area was cordoned. As soon as the cordon was laid down, there was firing, and in the exchange of fire, 6 terrorists have been eliminated. In this encounter, there is no collateral damage. No law and order situation was faced. The operation is a clean operation, and now the identities and affiliation of these terrorists are being assessed.